फुटबॉल मेरा पैशन है और जब मैं छोटा था मैं बड़ी बड़ी टीमों को बड़े बड़े स्टेडियम में खेलते हुए देखते हुए बहुत फैसिनेट हुआ और मैंने अपने अबू से डिस्कस किया कि मुझे भी फुटबॉल खेलनी है क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग गेम था ये। तो मेरे अबू ने मुझे बहुत सपोर्ट दी और फिर मुझे इस क्लब में लेके आए कराची यूनाइटेड और मुझे एडमिशन दिया इधर और मैं अब कोचेस के साथ ट्रेन करता हूँ आफ्टर स्कूल और वैसे ही सैटरडेज को, जो अब मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा। सऊदी अरब उसको वो कर सकती है, अर्जेंटीना को हरा सकती है तो हम भी हरा सकते हैं। पाकिस्तान को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट दे हम बिल्कुल खेल सकते हैं, अगर हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन कर सकते हैं और अगर हम उनको इतनी रिकग्निशन दें जैसे जिडान है हमारा इस्लामाबाद से, वो प्रमोट हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो और वर्ल्ड कप में ईरान की तरफ से खेल रहा है। तो हाँ, अगर हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन करें तो पाकिस्तान का नाम बढ़ सकता है। तो मेरा फेवरेट प्लेयर है मेसी, जिसको मैं एडमायर करता हूँ, शुरू से एडमायर करता हूँ मैं उसे। और मेरी फेवरेट टीम जो अर्जेंटीना है, हम परसों सऊदी अरेबिया से हार गए थे, चलो कोई मस्तानी गेम होता है, गेम है और होता है गेम अंदर, जैसे पाकिस्तान के साथ भी हुआ था वर्ल्ड कप में। मैंने फुटबॉल इसलिए शुरू किया था क्योंकि मैंने बोला काफ़ी तेज़ गेम है और मुझे भी इसमें खेलना है, और मैं लोगों को देखता था अपने बड़ों को जहाँ मैं रहता हूँ वो इधर हाफ लाइन से गोल मारते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और ये ड्रिबल भी जो करते थे बहुत अच्छा, तो फिर मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनकी तरह बनूँ, इसलिए मैंने शुरू किया फुटबॉल। तो फुटबॉल को मैंने चुना क्योंकि मुझे क्रिकेट ये सारे गेम्स इतने पसंद नहीं थे, और मुझे पसंद था क्योंकि इधर आप 45 मिनट्स का हाफ खेलते हैं और फिर इधर काफ़ी तेज़ स्पोर्ट होता है इधर, और फिर इधर बहुत सस्पेंस भी होती है इसमें, जैसे आप 90 मिनट्स में गोल मार सकते हैं, 100 मिनट्स में मार सकते हैं आप इधर। मैं बोलूँ पाकिस्तान में स्कोप करने पर होना चाहिए फुटबॉल, इधर बहुत अच्छा टैलेंट है जिनके मेरे साथ खेला है, बहुत इलाके के इधर प्लेयर हैं कराची में भी और बाहर भी हैं इस्लामाबाद लाहौर में, जो मैं बोलता हूँ कि अगर उनको अच्छा यूरोप की टॉप 5 लीग्स में अगर उनको अच्छा चांस मिले तो फिर वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर बन सकते हैं, और फिर उससे ज़्यादा लाइकिंग भी बढ़ेगी फुटबॉल की और लोग भी देखेंगे जैसे मैं देखता था पहले फुटबॉल, तो फिर उससे उनको पसंद भी आएगा और उससे वो चाहेंगे कि फुटबॉल खेले, और उससे ज़्यादा क्लब्स बनेंगे और क्लब की टीमें बनेंगी और सारे मिलके एक पाकिस्तान की टीम बनेगी इंशाल्लाह।